Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. My name is Samnak Rajan and you are watching Rukshi's Cuisine. Rukshi's Cuisine में हम आज आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही मजेदार और टेस्टी डिश. और इस डिश का नाम है सब्जियों की सेवई का पुलाव. सब्जी की सेवई का पुलाव बहुत ही मजेदार और यूनिक डिश है. इस डिश की रेसिपी सीखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए. So let's go to my mama's kitchen और देखिए कैसे ये मजेदार और टेस्टी पुलाव बनता है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आप देख रहे हैं रुक्सीस कुजीन और मैं हूँ फरही. आज हम रुक्सीस कुजीन के मेन्यू में लेकर आए हैं ऐसा पुलाव जो कि चावलों से तैयार नहीं कर रहे हैं बल्कि हम इसे तैयार कर रहे हैं सेवइयों के साथ. इस पुलाव का नाम है सब्जी की सेवइयों का पुलाव. ये बहुत ही मजेदार और आसान सादा सी डिश है. आप इसको अपने दस्तरखान में जरूर शामिल करें. आपके बच्चे इंशाल्लाह इसे बहुत पसंद करेंगे. तो हम चलते हैं रेसिपी की तरफ. इसके इंग्रेडिएंट्स में है प्याज एक अदद लेकर इसको बारीक चॉप कर लें. शिमला मिर्च दो अदद लेकर इसको भी बिल्कुल बारीक कट कर लें. टमाटर पेस्ट तीन अदद टमाटर लेकर उसका पेस्ट बना लें. गाजर एक अदद लेकर उसको कद्दूकस कर लें. मटर बॉयल हुए एक कप ले लें. अदरक बारीक कटा हुआ एक चाय का चम्मच. हरी मिर्च तीन से चार अदद बारीक कटी हुई. लहसुन बारीक कटा हुआ एक चाय के चम्मच के बराबर ले लें. सोया सॉस डेढ़ चाय का चम्मच ले लें यानी 1.5. वॉर्स्टरशायर सॉस आधा चाय का चम्मच. चिली गार्लिक सॉस एक खाने का चम्मच. चाइनीज चिली सॉस एक चाय का चम्मच. नमक हस्बे जायका हस्बे जरूरत. काली मिर्च डेढ़ चाय का चम्मच. जीरा पाउडर एक चाय का चम्मच. क्रश चिली एक चाय का चम्मच. लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच. अदरक पाउडर आधा चाय का चम्मच. चिकन क्यूब आधा यानी एक चिकन क्यूब का आधा हिस्सा. बंद गोभी एक कप के बराबर. फूल गोभी इसको भी आप एक बड़े कप के बराबर ले लें और छोटा छोटा काट लें. आलू दो अदद लेकर इसको क्यूब्स की शक्ल में काट कर फ्राई कर लें. कुकिंग ऑयल हस्बे जरूरत. पानी हस्बे जरूरत. सेवइयां एक अदद पैकेट. यहाँ पर आप देख सकते हैं दो किस्म के पैकेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ. एक रोस्टेड है और एक विदाउट रोस्टेड. दोनों का जायका टोटल डिफरेंट होता है और दोनों में ही ये पुलाव बहुत मजे का बनता है. मैं यहाँ पर विदाउट रोस्टेड सेवइयां का पैकेट ले रही हूँ. मैंने इसको हस्ब जरूरत पानी एक चाय के चम्मच नमक और तीन खाने के चम्मच ऑयल डालकर उबाल लिया है. आप देख सकते हैं उबलने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो. अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे. इसमें हम तकरीबन दो से तीन खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डाल देंगे. इसके बाद हम कटा हुआ अदरक इसमें डाल देंगे और फिर कटा हुआ लहसुन भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का गोल्डन नहीं हो जाता और इसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी. इसके बाद आप इसमें फूल गोभी को ऐड कर लें और इसको स्ट्रे फ्राई कर लें. इसको आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये गल ना जाए. जब ये गलने के करीब हो तो आप इसमें आधा चाय का चम्मच सोया सॉस शामिल कर लें और फिर इसमें आधा चाय का चम्मच नमक और हस्बे जरूरत काली मिर्च शामिल कर लें और ढक्कन दे दें. कुछ देर के बाद ढक्कन उतार कर देखें. फूल गोभी मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुकी है
इसको अलहदा रख दें और एक और सॉस पैन ले लें। इसमें 3 से 4 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल को शामिल करें। फिर इसमें टमाटर पेस्ट को शामिल कर लें और इसको उस वक्त तक पकाएं जब तक कि टमाटर का पानी ड्राई ना हो जाए। इसके बाद इसमें सोया सॉस को शामिल कर लें और फिर वॉर्स्टरशायर सॉस को भी शामिल कर लें। इसके बाद चाइनीज चिली सॉस को डालकर मिक्स कर लें। चिली गार्लिक सॉस को भी ऐड कर लें। चिली गार्लिक सॉस के बाद इसमें आप जीरा पाउडर शामिल कर लें। इसके बाद आप इसमें क्रश चिली, काली मिर्च और नमक को ऐड कर लें और साथ ही लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर को भी शामिल कर लें। इसके बाद इसमें बारीक प्याज कटा हुआ शामिल करें, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, उबले हुए मटर, कटी हुई बारीक हरी मिर्च, फ्राई किए हुए आलू और फ्राई की हुई बंद गोभी इसमें ऐड कर लें। यहाँ पर मुझे इसमें ऑयल और नमक थोड़ा सा कम महसूस हो रहा है। मैं यहाँ पर 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल को शामिल कर रही हूँ और साथ ही 1/2 चाय का चम्मच नमक भी ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद आप इसमें उबली हुई सेवइयां डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैं आपको एक बात कोट करूँगी, जरूरी नहीं है कि ये आप छोटे साइज की बारीक सेवइयां यूज करें। एक और किस्म की बाजार में इसी फॉर्म में रोस्टेड सेवइयां आपसे मिलेंगी जो लंबाई में स्पेगेटिस की तरह दिखेंगी। आप ये सेवइयों का पुलाव उसमें भी रेडी कर सकते हैं। अब दम देने से पहले 1/2 चिकन क्यूब लेकर को 3 खाने के चम्मच उबले हुए पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और इस तरीके से आपकी ये थोड़ी सी यखनी तैयार हो जाएगी। आप इसको इसके ऊपर डाल दें। आप चाहे तो सब्जी के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसको यहाँ पर दम लगा दूंगी। तकरीबन 2 मिनट के बाद दम खोल लूंगी। आप देख सकते हैं सब्जी की सेवइयों का पुलाव मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही यमी और बहुत ही मजेदार है। इसको आप डिश आउट करके सर्व कर लें। आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा और मुझे इसके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई रेसिपी, नई डिश और नए जायके के साथ। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। व्यूअर्स, हमारे यम्मी सा टेस्टी सा सेवइयों का पुलाव रेडी है। आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।